एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस मॉम ब्लॉग। और जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और आज है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन हम ब्रह्मवादिनी देवी जी की पूजा करते हैं। तो बस मैं यहाँ पूजा ही कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ कर मैं पूजा में लग गई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पाठ भी साथ में करती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पर सभी भगवान को स्नान वगैरह करा के उन्हें टीका चंदन कर रही हूँ। और मैंने ना कल व्रत रखा था, तो आज व्रत मैं खोलूँगी, क्योंकि मैं एक दिन का ही व्रत रखी थी। तो अगला और लास्ट यही दो व्रत मैं रखने वाली हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर उन्हें फल समर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सेब सभी भगवान को चढ़ा रही हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर केला भी भगवान को मैं चढ़ा देती हूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, और आज मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी। और पूजा का ही मैंने वीडियो बना के डाला था जो मैंने आज पूजा करी थी। तो मैंने सोचा था कि और भी वीडियो बनाऊंगी, बट नहीं बना पाई। थोड़ा सा घर में क्या था कि पापा का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पापा को भी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ था ना उनको कि वो मास्क लगा रखे थे, तो मास्क के कारण ना टाइट होने के कारण पीछे उनको छोटी सी फुंसी हो गई थी। तो क्या है कि वो फुंसी इतना पेन कर रही है, इतना पेन कर रही है कि नस जो होती है यहाँ की नस, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो उससे खाना पीना भी नहीं खा पा रहे सही से, तो उनको बहुत अभी दिक्कत हो रही है। उस दिन में क्या था कि वो फुंसी के कारण ना एलर्जी भी हो गई है फेस पे उनके, तो खाया पिया उनसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। और लिक्विड चीज़ भी खाते हैं तो वो ऐसे गले में जाके लगती है उनको। तो कोई मेरा वीडियो ब्लॉग बनाने का आज बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था, तो बस मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था। मैं सोच रही हूँ थोड़ा पापा जी ठीक हो जाए, तो क्योंकि ठीक घर में सब ठीक रहता है तो सब चीज़ें करने का भी मन करता है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा।